दिल्ली के रोहिणी इलाके में स्थित एक अस्पताल में शनिवार सुबह आग लगने के कारण 64 वर्षीय एक मरीज की ऑक्सीजन आपूर्ति बंद हो गई, जिससे उसकी मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूट खुर्द क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा शक्ति अस्पताल की 3री मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। पुलिस उपायुक्त प्रणव तायल ने कहा कि आग लगने की सूचना सुबह 5 बजे मिली, जिसके बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल की गाड़ियां बुलाई गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग के मुताबिक घटनास्थल पर दमकल की कुल 9 गाड़ियां भेजी गई। उन्होंने बताया कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और एक मरीज को छोड़कर सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया था। गर्ग ने कहा कि उन्होंने बताया कि प्रेमनगर निवासी होली गुर्दे के मरीज थे और उन्हें आग से सुरक्षित निकाल लिया गया था, लेकिन बिजली नहीं होने और ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित होने के कारण उनकी मौत हो गई। गर्ग के अनुसार अस्पताल में आग बुझाने का कोई यंत्र मौजूद नहीं था और आग लगने के समय बाहर निकलने का दरवाजा बंद था। उन्होंने बताया कि घटना के संबंध में विजय विहार थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 285 ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में लापरवाही पूर्ण आचरण, 287 मशीनरी के संबंध में लापरवाही पूर्ण आचरण और 304A लापरवाही से मौत का कारण के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।